अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज मैं बनाने लगी थी चिकन टींडे। सबसे पहले मैंने प्याज काट लिया है। अब मैं इसमें आयल ऐड करूँगी। आयल मैंने ऐड कर लिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा प्याज ऐड करूँगी। हरा प्याज मैंने पहले ही काट के फ्रिज में रख लिया हुआ है, फ्रीज कर लिया हुआ है। अब इसमें से मैं थोड़ा सा प्याज ऐड करूँगी। हरा प्याज मैंने ऐड कर लिया। हरा प्याज हो, हरा लहसुन हो, इसका एक अपना ही टेस्ट है। यहाँ मेरे पास एक टमाटर है, अदरक है, हरी मिर्च है और लहसुन है। और जल्दी से इधर मैं इनको कूट लूँगी फटाफट से। टीने मैंने काट के धो लिए हुए हैं। यहाँ मैं इसमें अदरक और लहसुन कुटा हुआ डालूंगी। यहाँ मैंने इधर एक टमाटर काट लिया। टमाटर काट लिया मैंने, इस पहले टमाटर को धोया था फिर मैंने काट लिया। टमाटर ऐड करूँगी। इस तरीके से हिला लेंगे। अब मैं इसमें हरी मिर्च कूट के डालती हूँ। यहाँ मैंने हरी मिर्च कूट के डाल दी है। यहाँ मेरे पास एक छोटी चमची लाल मिर्च है कुटी हुई, हल्दी है और ये नमक है। तमाम सारे मसाले मैं इसे ऐड कर दूँगी। मसाला भून लिया अच्छे तरीके से, फिर मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। यहाँ मेरे पास चिकन है, चिकन में ऐड कर लूँगी मसाले में। मसाला मैं भून गई। ये प्यारी सी खुशबू आ रही है। चिकन ऐड करूंगी। चलो भूने चिकन और मसाले को। यहाँ मैंने टींडे धो के रख लिए थे काट के। चिकन मैं भून रही हूँ अच्छे तरीके से। भून लूँगी चिकन को, फिर मैं इसमें टींडे ऐड करूँगी। आयल छोड़ा चिकन। चिकन ने आयल छोड़ दी। इसमें टींडे ऐड करूंगी। टींडे मैंने डाल दी। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। चूल्हा बिल्कुल हल्का सा कर देंगे, पानी नहीं आपने ऐड करना। ये देखिए माशाल्लाह, चूल्हा बिल्कुल हल्का कर देंगे। हल्का करके इनको भून दें। ये देखें माशाल्लाह, इसमें मैंने बिल्कुल पानी नहीं ऐड किया। इसकी लुक देखें कितनी प्यारी है। जीरे, यही मेरी सालन की फाइनल लुक। मैंने इसमें जीरा और पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया। माशाल्लाह, आप इसको रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।